हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है अपनी सीरीज की, जिसका नाम है की टू गेट रिच। तो वो की क्या है जिससे कोई भी मिडिल क्लास अमीर बन सकता है, उसी सीरीज की मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने फंड्स को एलोकेट करना है जिससे आप मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकें, रिस्क भी कम हो और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि कैसे अपने फंड्स को हम एलोकेट कर सकते हैं रिस्की फंड में और सेफ फंड में। तो सबसे पहले हमें अपनी एज पता होनी चाहिए। उस एज नंबर को हम 100 में से माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट बचता है उस परसेंटेज को हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि वो एक रिस्की फंड्स हैं, लेकिन हमारी जितनी यंगर एज होगी उतने हम रिस्की फंड में ज़्यादा अमाउंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 30 इयर्स का हूँ तो मैं 70% अपना म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हालांकि मुझे 30% अपना FD और बॉन्ड्स में रखना चाहिए सेफर साइड। अगर मेरी एज 60 इयर्स है तो मुझे 40% इक्विटी और म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, क्योंकि वो रिस्की फंड होते हैं, और 60% मुझे अपना FD और बॉन्ड्स में रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज हैबिट। तो आप हैबिट डेवलप कीजिए। अगर आप बोलने की हैबिट डेवलप करेंगे तो आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आप सुनने की हैबिट डेवलप करेंगे तो आप एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। अगर आप सेविंग करने की हैबिट डेवलप करेंगे तो आप अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी हैबिट आप आज डेवलप करेंगे उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी उसका डबल ट्रिपल इफेक्ट आपको कुछ साल बाद दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप मेरे को लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।